पी क्यू, एक और लाइन ड्रॉ करना है पी क्यू हुज लेंथ इज द सम ऑफ ए बी एंड सी डी, की जो पी क्यू जो लाइन है इसका जो मेजरमेंट होगा वो ए बी और सी डी के समेशन के इक्वल होगा. सो नाउ एड योर ए बी एंड सी डी, यू नो हाउ टू एड 3.5 and 4.2. योर पॉइंट पॉइंट ऑलवेज शुड बी टूगेदर. ओके, 3.5 and 4.2, बट योर आंसर विल कम, योर आंसर विल कम 7.7. सो नाउ यू हैव टू ड्रॉ वन लाइन एंड देयर मेजरमेंट शुड बी कम 7.7. ओके, सो योर यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड टिल 7, एंड आफ्टर 7 काउंट 7 डिविजन. ओके, सो दिस इज योर मेजरमेंट ऑफ 7.7. ओके, एंड यू हैव टू बी पुट हियर पी एंड क्यू. ओके, स्टार्टिंग पी एंड क्यू, दिस इज योर लाइन सेगमेंट. ओके, नाउ मूव ऑन योर नेक्स्ट, that is your next one question, last question. If AB is equal to 2.5, CD is equal to 3.9, construct a segment whose length is equal to. Okay, so now you have to withdraw. Okay, AB plus CD. So now, first of all, we have to consider, let PQ is a line segment which we want to draw. Suppose PQ एक ऐसा line है जो हमें draw करना है. अब question आपसे कह रहा है कि जो आपका line draw होगा वो ये जो है हमने दिया है 3 parts, इन parts के इक्वल होना चाहिए. तो फर्स्ट पार्ट आपका है ए बी प्लस सी डी. तो जो आपका लाइन पी क्यू होगा, पी क्यू इज अ समेशन ऑफ ए बी एंड सी डी. पी क्यू क्या है? ए बी और सी डी के मेजरमेंट का समेशन है. तो ए बी आपका 2.5 गिवन है, सी डी आपका 3.9, ऐड कर लीजिए 6.4 आपका मेजरमेंट यहाँ आया. तो आपको पी क्यू लाइन आपको ड्रॉ करना है 6.4 सेंटीमीटर का. सेम वे आपको ड्रॉ करना है 2 ए बी, 2 ए बी इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय ए बी. ओके, इफ सपोज नो वन साइन इज हेयर, सो यू हैव टू बी कंसिडर एज मल्टीप्लीकेशन साइन. कोई भी है ना, अगर अल्फाबेट्स है और यहाँ पे नंबर्स है तो आप यहाँ कोई साइन नहीं होता, तो उसको हम मल्टीप्लीकेशन से कंसीडर करते हैं. शो करना कंपलसरी नहीं होता. सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2.5, सो मल्टीप्लाई 5.0, इट मीन्स 5 सेंटीमीटर. सो यू हैव टू ड्रॉ वन लाइन पी एंड क्यू एंड देयर मेजरमेंट शुड बी कम एज 5 सेंटीमीटर. अंडरस्टूड? सो लास्ट वन पी क्यू, अगेन यू हैव टू कंसीडर एज पी क्यू विच लाइन सेगमेंट यू वॉन्ट टू ड्रॉ. ओके, पी क्यू 3 ए बी माइनस सी डी. सो यू हैव टू मल्टीप्लाई 3 with 2.5, and after that, after multiplication, you have to subtract with 3.9. So multiply, 7.5 will come, and then 3.9 minus, and then 3.6 will come. So you have to withdraw your line 3.6. Understood? So this is your two.